Good morning students, today we will continue with chapter 14. Okay, आज हम chapter 14 पढ़ेंगे अपनी grammar book को continue करते हुए. So, chapter 14 is homophones, page number 85. Let's begin. There are certain words of English language that confuse people. Such words are similar sounding but differ in their meaning and spelling. Such words are called homophones. Let us learn about some such commonly used words so that you do not hesitate while using them. Means, क्या होता है ना, कभी कभी कुछ words की spelling same होती है लेकिन meaning अलग होता है. कुछ words की स्पेलिंग अलग होती है लेकिन अगर हम उन्हें बोले तो वो बोलने में सेम लगते हैं. ओके, और कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स बोलते हैं. सो मैं आपको फटाफट इन सारे होमोफोन्स के शॉर्ट में मीनिंग समझा दूँगी. आपको इन सबके सेंटेंस रीड करके एक बार माइंड में डालना है दैट हाँ इसका मतलब ये होता है. फर्स्ट इज एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. अब दोनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन बोलने में सेम आ रहा है. फर्स्ट वाले एक्सेप्ट का मतलब है कुछ चीज़ पे हाँ बोलना या कुछ चीज़ लेना, मैं उससे एक्सेप्ट कर रही हूँ. ठीक है, और एक सेकेंड वाले एक्सेप्ट का मतलब होता है उसको छोड़ के. ओके, सेकेंड है एक्सीडेंट और इंसिडेंट. एक्सीडेंट मतलब आप सबको पता है क्या होता है. इंसिडेंट मतलब हम कभी किसी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो, कोई इंटरेस्टिंग इवेंट हो, उसको इंसिडेंट बोलते हैं. थर्ड एडवाइस. अब स्पेलिंग अलग है लेकिन बोलने में सेम है. फर्स्ट वाला एडवाइस का मतलब है कि हम किसी को कुछ एडवाइस करें, और सेकंड वाला एडवाइस का मतलब है कि कोई चीज़ हमें डेली में करनी चाहिए या मीन्स सबके लिए होती है वो वाला. फोर बेल और बेल. बेल मीन्स होता है, फर्स्ट वाला बेल का मतलब होता है सिक्योरिटी, मीन्स सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो भी होता है, और सेकंड वाले बेल का मतलब होता है बंडल या कुछ इकट्ठा. फिफ्थ है बर्थ और बर्थ. ठीक है, फर्स्ट वाले बर्थ का मतलब है सीट इन अ ट्रेन, जो हमारी ब्लू कलर की सीट्स होती हैं उनको हम बर्थ बोलते हैं, और सेकंड वाले बर्थ का होता है मतलब पैदा होना. बिसाइड और बिसाइड्स. बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू, उसके आगे या उसके बगल में, और सेकंड वाले बिसाइड्स का मतलब होता है एज वेल एज, मतलब ये भी और वो भी ऐसे करके. सेवन्थ ब्रेक और ब्रेक. फर्स्ट वाले ब्रेक का मतलब है रुकना या ब्रेक लगाते हैं हम लोग गाड़ी का वो, और सेकंड वाले ब्रेक का मतलब है तोड़ना, टूटना. एट्थ है कैटल. इसका सेकंड वाला नहीं दिया है, सेकंड वाले की स्पेलिंग होगी KETTL, या आप नीचे लिख लेना KETTLE. फर्स्ट वाले कैटल का मतलब होता है काउज और बफेलोज के ग्रुप को हम कैटल बोलते हैं, और सेकंड वाले कैटल वो जो चाय की कैटल होती है. सो नेक्स्ट इज नाइन्थ वाला चेक. चेक मीन्स वो देखना, जैसे हम कोई चीज़ चेक करते हैं या हम आपकी कॉपीज चेक करते हैं, और नीचे वाले चेक का मतलब है बैंक में जो चेक लगता है पैसों वाला. टेंथ है साइट और साइट. फर्स्ट वाले साइट का कोई कविता या छोटा सा मैसेज लिखना, और सेकंड वाले साइट का मतलब है कि कोई एक अच्छी सी व्यू हो, जैसे हम बोलते हैं ना लुक एट दिस साइट, ये कितनी सुंदर है. इलेवेंथ कोर्स और कोर्स. कोर्स फर्स्ट वाले कोर्स का मतलब होता है रफ यानी कि हार्श वगैरह, और सेकंड वाले कोर्स का मतलब होता है पाथ मीन्स रास्ता, या हम पढ़ाई का कोर्स भी बोल सकते हैं. ट्वेल्थ कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दैट विच कम्प्लीट, जो कम्प्लीट है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हम किसी की तारीफ कर रहे हैं या उसे कोई हम रिगार्ड्स दे रहे हैं. 13 डेयरी और डायरी. डेयरी मतलब जहाँ हमें दूध ब्रेड वगैरह मिलती है, और डायरी मतलब हमारी जो डायरी होती है. 14 डाई. फर्स्ट वाले डाई का मतलब है मरना, सेकेंड वाले डाई का मतलब है कलर करना. 15 डिस्कवर और इन्वेंट. इसमें कुछ सिमिलर नहीं है बट बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डिस्कवर का मतलब क्या होता है और इन्वेंट का मतलब क्या होता है. लोगों को लगता है दोनों का मतलब सेम ही होता है. डिस्कवर मतलब कोई चीज़ ढूंढना, और इन्वेंट मतलब किसी चीज़ को बनाना, कोई नई चीज़ हमने इन्वेंट की. 16 है डोज और डोज. फर्स्ट वाले का मतलब होता है जो हम हमारी दवाई का डोज देते हैं, और सेकंड वाले डोज का मतलब होता है एक छोटी सी नींद की झपकी.
फीट और फीट, फीट मीन्स अपनी कोई स्किल दिखाना या प्रतिभा दिखाना, और सेकंड वाले फीट का मतलब होता है हम एक पैर को फुट बोलते हैं, एक से ज़्यादा को फीट बोलते हैं। 18th फादर और फर्दर, फादर मीन्स दूर कितना डिस्टेंस है, और फर्दर मीन्स आगे का एक्सप्लेन करना या डिटेल में एक्सप्लेन करना या उसके और बताओ, इसलिए हम फर्दर यूज़ करते हैं। 19th ग्रेड और ग्रेड, फर्स्ट वाले ग्रेड का मतलब होता है कि घिसना, हम घिसते हैं चीज़ वगैरह, और सेकेंड वाले ग्रेड का मतलब होता है एक्सीलेंट। 20 हील और हील, फर्स्ट वाले हील का मतलब होता है टू क्योर, मीन्स किसी चीज़ को ठीक होता है ना तो उसको हीलिंग बोलते हैं। सेकेंड वाले हील जो हम पैर की एड़ी होती है। 21 हियर और हेयर, हेयर मीन्स सुनना और हेयर मीन्स यहाँ इस प्लेस पे। अब आपको क्या करना है, इनके सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है। सो यू हैव टू रीड ऑल दी सेंटेंसेस।